है आई एम सो हैप्पी, 5-star रेटिंग और अपने आप को फ्लाइंग किस। एप्रिसिएशन तो बनता है भाई अपने आप को, है ना कि नहीं। गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? सुबह सुबह का टाइम है, अभी फिलहाल मैं दाल बघा रही हूँ, एक साइड को चाय भी चढ़ा दी है। रात को ही दाल चावल उबाल के रख दिए थे, बस दाल को तड़का लगाना बाकी है। पीछे चाय भी चढ़ा दी, एक बार चाय हो जाए, दाल हो जाए, इसके बाद जूस की तैयारी करूंगी और फिर बच्चों को उठा लूंगी। बच्चों की डैडी को दाल के अंदर पालक बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए पालक भी डाल दिए, दाल पालक।
प्रिशा चलो आओ, गेट योर जैकेट प्रिशा। प्रिशा कम हियर। हाँ बेटा कम हियर। यस हम करेंगे, वेट अ मिनट। Get your glasses, get your glasses, which I gave it to you. Good, good. Adi, get your socks, Tiga. Go get your socks. Can you tie them? Get your socks. Prisha, I'm putting this one in your bag, okay? Okay. Give it to teacher, okay? Prisha, show your dress to everyone. What are you doing? Yeah. What are you dressing up? That is the 100th day of school. So I have to dress like I'm a 100. पीछे आके दिखाओ, पीछे आके दिखाओ। आज Prisha के स्कूल में 100 days of school है, यानी कि 100 days पूरे हो गए स्कूल के। तो Prisha ने आज पहना है बिल्कुल vintage style की jeans, t-shirt, right Prisha? And show your glasses also. और कपड़े चेंज करने के लिए एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स भी रखती है इनके बैग में। हियर लेट मी टाइम दिस वन, ओके? गेट योर ग्लासेस, शो इट टू एवरीवन। हियर पेन के दिखाओ, पेन के दिखाओ। प्रिशा एकदम ओल्डीज लग रही है, देयर यू गो, एकदम विंटेज लुक, राइट प्रिशा? दीज आर व्हाट दे लुक लाइक। कम 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 हियर। चलो अभी जा रहे हैं स्कूल। Prisha is looking very cute, right Adi? Yeah. Right Chika? Adi के glasses रात को ही धो के रख दिए थे, अभी उसने बिल्कुल fresh वाले glasses पहने हैं अपने। There you go. Prisha, put your glasses, Chiki. Bye, Daddy. There you go. Prisha ने अपने बूट्स भी पहन लिए, देयर यू गो, राइट प्रिशा? चलो चलो चलो। This is the one I am taking, no, Prisha. There's another road. Traffic बहुत हो गया है। I know. If we go too far, then it will be more late, Prisha. This is the good route, okay? No, this is the good route we are taking, right, Adi? We are already late. Actually. Mm-hmm. That's cab. Yeah, but it's already late. Prisha, don't worry. They will not start until you reach there, okay? Everybody has to be in the class, right, Adi? They will think we're not. No, actually, that is actually not true. Yeah, not true. Usually, they start it without. Come here, Adi. Mwah. Go. Yeah, wait. Go, Prisha. Come here, Chiki. You have to open this side. My thing got caught. No, Prisha. Oh. Okay, there. Come here, Prisha. That's mwah. Go, Adi. Open the door. Go, Chiki. Prisha, come on, come on. Go, Prisha. Good luck, Prisha. Get your glasses. मेरा ब्रेकफास्ट हो गया और बच्चों के डैडी निकले हैं जॉब पे। बच्चे तो जैसे मैं छोड़ के ही आई और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। आने के बाद थोड़ी सी देर बैठी, हार्डली कुछ 5-10 मिनट 15 मिनट ऐसे बैठी, थोड़ा रिलैक्स हो रही हूँ। और अभी मैं सोच रही हूँ कि आज मेरा अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट किस चीज का, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अपॉइंटमेंट है मेरा पार्लर का। अब पार्लर में जाना है, ऑफकोर्स वो जो बहुत कॉमन से रील्स चल रहे हैं ना कि वहां पार्लर में जाने के बाद कुछ चेंजेस नहीं आते, तो भाई साहब हम लोग सिर्फ सैलून में अपने आप को निखारने के लिए जाते हैं और हाइजीनिटी के लिए जाते हैं।
कोई प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए नहीं जाते, दैट इज ऑल फैक्ट, सीरियसली. बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, सारे जोक्स को साइड में रख देते हैं. तो मैं आपको बता दूं, मुझे जाना है वैक्सिंग वगैरह सब नॉर्मल सी चीजें करवाने के लिए. तो उसके लिए मुझे अपॉइंटमेंट जो मिला है वो 12 बजे का मिला है. अब ये है कि मैं जाऊंगी तब आऊंगी और फिर आधा पौन घंटा लगेगा और फिर आने के बाद मुझे नहाना है. तो मैं एक काम करती हूँ, सोच रही हूँ कि बाथरूम क्लीन कर देती हूँ. अब बाथरूम मुझे किस तरीके से क्लीन करना है कि मुझे वहां पे कमोड साफ करना है, यहाँ पे वॉश बेसिन साफ करना है, नीचे का झाड़ू लगाना है, उधर टब साफ करना है और इधर का शॉवर एरिया साफ करना है. एक्चुअली कल मैंने यही वाले शॉवर एरिया में ना ढेर सारी दवा डलवाई थी. तो एक बार मैं देख लेती हूँ कि किस तरीके से हो रखी है हालत. ओह माय गॉड, देखो कितनी सारी चींटियां मरी है यार, सीरियसली. ये पता है, ये रात भर का कमाल है, ये सारी की सारी चींटियां, इतनी सारी चींटियां आके मरी है ना यहाँ पे. मैं सोच रही हूँ इसको अभी ऐसे ही रहने देती हूँ कि क्या करूँ, सफाई कर दूँ क्या? अगर मैंने सफाई करी ना तो ये धुल जाएगा सारा जहर, और जो रात भर में इतनी सारी चींटियां आएंगी ना वो सब निकल जाएंगी, बह जाएगा जहर भी, बह जाएगा और चींटियां भी बाहर निकलने लगेंगी. नहीं, काम करती हूँ, इसको धो देती हूँ. धोने के बाद ना देखते जो होगा देखा जाएगा यार. पहले मैं धो तो सही, क्योंकि गंदगी हो रखी है और इसको धोना बहुत जरूरी है, और ये दरवाजा भी ना बहुत गंदा हो रखा है. तो एक काम करती हूँ, जिस तरीके से मैं क्लीन अप करती हूँ वही मैं आज क्लीन अप करने वाली हूँ. सबसे पहले मैं कमोड के अंदर सारा स्प्रे करके रख देती हूँ, उसके बाद मैं उधर टब में स्प्रे कर दूंगी, फिर इधर मैं स्प्रे कर दूंगी, और मुझे यहाँ पे शॉवर में क्लीन अप करना है. तो किस तरीके से करती हूँ, मुझे 20 मिनट्स में ये सारा काम करना है और बहुत फास्ट स्पीड रहती है मेरी. मैं पहले भी आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, मैं बहुत ज्यादा फास्ट करती हूँ. मुझे बाथरूम में इस तरीके से टाइम वेस्ट करना, मतलब ज्यादा टाइम लगता है ना तो वो टाइम वेस्ट होता है, साथ में एनर्जी भी बहुत लगती है, कंधे अलग दर्द करने लगते हैं, मुझे ये सब नहीं पसंद है. मैं बहुत सुपर फास्ट में करूंगी. तो किस तरीके से कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ. चलो फिर से आप लोगों को याद भी आ जाएगा, ताकि अगर आप लोगों को वो डिटेल में देखना हो तो वो वीडियो आप लोगों को पीछे जाके देखना पड़ेगा. चलिए अभी मैं फटाफट से यहाँ का क्लीन अप करती हूँ. ये जो शॉवर एरिया है ना, इसे मैं क्लीन करूं उससे पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ, अपडेट कर देती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे चींटियां हो रखी थी. ये देखो, ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे ये छेद है, दिखाई दे रहा है ये वाला छेद, इसमें से ना इतनी सारी चिड़िया निकल रही थी. कल मैंने उसे बोला कि यहाँ पे ना ऐसे तगड़े वाला बिल्कुल एकदम टाइट हाथों से ना खूब सारा स्प्रे मारो, और देखो कमाल, देखो कितनी सारी चिड़िया आ रही हैं. ये पता है सेम टू सेम ना ऐसी की ऐसी चिड़िया ना कल सुबह भी थी, दोपहर को भी हो गई थी, और अभी देखो अभी जब कल दवा वाला आया था ना तो मैंने यहाँ पे शावर नहीं लिया था, मैंने रहने दिया था यहाँ पे जहर. तो देखो कितनी सारी चिड़िया आई है, देखो 100-150 चींटियां बाहर आ गई, उससे ही ज्यादा होगी. यहाँ पे भी आई है, इस कॉर्नर में भी आई है. ये देखो, ये सारी की सारी ना मुझे अभी क्लीन करनी पड़ेगी. बाथरूम तो गंदा हो ही गया है, बट एनीवेज इतना ये सब इतना बड़ा टेंशन नहीं, गंदगी इतनी बड़ी टेंशन नहीं है जितनी ये चींटियां थी. ये देखो इतनी सारी चींटियां, ये सारी की सारी चींटियां 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 सब मर गई, थैंक गॉड. चलो इसे सफाई करते हैं. सबसे पहले तो ना जो कमोड एरिया में जितना भी पंप और क्लेंजर्स और ये जितने भी टिश्यू पेपर्स का ये स्टैंड वगैरह, ये जो भी होता है ना, इसको बाहर निकाल दो, पूरा खाली कर दो. तो आपके रास्ते में जो जितनी भी सारी चीजें आ रही होती है ना, आपको बड़ा क्लियर आउट एक वे मिल जाता है जिसमें आप सफाई कर सकते हो. तो मैं सब चीजों को बाहर रख रही हूँ, ये रूम फ्रेशनर, दरवाजे के पीछे हमने ट्रैश रखा हुआ है बाथरूम का, ये क्लंजर वे, और ये जो ब्रश है बाथरूम का ब्रश, इसे मैं सामने ही रख रही हूँ क्योंकि इससे सफाई करनी है. सिवाय इसके बाकी सारी चीजें हटा दी हैं. ये वाला क्लीनर मैं डॉलर शॉप से लाती हूँ. क्लीनर किसी भी रूप में हो, चाहे ब्रांडेड हो चाहे लोकल सा हो, क्लीनर क्लीनर होता है, केमिकल होता है जो मैं हमेशा बोलती हूँ. बट एनीवेज चलिए इसे पहले डाल दूंगी, साथ में ब्लीच डाल रही हूँ क्योंकि कमोड को वाइट रखना भी जरूरी है, नहीं तो इस पे स्टेन्स पड़ जाते फॉर ऑब्वियस रीजन. और साथ में ये ऑल पर्पस क्लीनर है, ये शावर क्लीनर भी है, अभी थोड़ा सा बचा पर इससे काम हो जाएगा आज के दिन, तो अभी इसे भी डाल के रख दूंगी सीट वगैरह पे. अब
अभी ये कम से कम यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, 2-3 मिनट इसे रहने देंगे, तब तक हम शावर एरिया या फिर बाथ टब में थोड़ा सा केमिकल डाल के रख देते हैं। टब एरिया में जितना भी सामान सामने पड़ा हुआ है, जैसे ये बाल्टी, ये मग्गा, ये प्रिशा का साबुन, इसको भी साइड कर देते हैं। इसमें भी केमिकल डालना है, तो केमिकल के लिए मैं यही वाला जो ऑल पर्पस क्लीनर है वही यूज कर रही हूँ। इसके लिए अच्छे से छिड़क देते हैं, यहाँ पे स्प्रे करके रख देते हैं। इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एज यूजुअल बड़ा ही क्लीन रहता है, हमेशा सिर्फ प्रिशा के लिए यूज होता है ये। इसको अच्छे से स्प्रे करके रख देते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात, कोई भी किसी भी तरीके का अगर आपके पास वो बॉडी वॉश हो या डिटर्जेंट हो, कुछ भी हो, तो वो सब डाल सकते हैं। मेरे पास ये वाला भी है और एक और है, मैं वो दिखा देती हूँ। ये वाला भी है, हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, तो ये इसी में डाल के रख देते हैं। थोड़ा सा डाल दिया साबुन, दैट्स इट। अभी थोड़ी देर पड़े रहेगा, इसे 2-3 मिनट रखेंगे, तब तक हम वॉश बेसिन पे आते हैं। यहाँ पे कमोट अच्छे से साफ कर दिया है, उसे नीट एंड क्लीन कर दिया है, वाइप डाउन कर दिया है, उसके अंदर प्लंजर भी चला दिया था, और यहाँ पे मेरा टिश्यू रोल है, सब कुछ बराबर से कर दिया है। इस कमोट की सीट बंद कर देते हैं। देयर यू गो। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जो टब है वो भी अच्छे से क्लीन डाउन कर दिया है, बड़ा ही नीट एंड क्लीन सा हो रखा है। अभी यू दिखाई नहीं दे रहा,
लेकिन अगर लाइट में देखेंगे तो लाइट में बहुत अच्छा दिखाई देगा। एक मिनट लाइट चालू कर देती हूँ, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ चलो थोड़ा सा तो दिखाई दे रहा है। चलिए इसका टब अच्छे से क्लीन कर दिया है, पूरा वाइप डाउन हो चुका है, वहां का एरिया मैंने वाइप डाउन कर दिया है, और ये जो बीच में थोड़ा सा गीला है बट दैट्स फाइन। और ये ब्रश अभी रहने देती हूँ ताकि ये सूख जाए, थोड़ा सा वो हो जाएगा, थोड़ा सा ड्रेन आउट हो जाएगा। उसके बाद अभी यहाँ पे आएंगे, उसके बाद अभी इस एरिया में आएंगे तो यहाँ का मिरर अच्छे से साफ हो गया है, मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, मिरर अच्छे से साफ हो गया है, यहाँ पे वॉश बेसिन अच्छे से क्लीन कर दिया है ये रहा, और बिल्कुल बढ़िया से वाइप डाउन भी कर दिया है। तो मेरा यहाँ पे बाथरूम पूरा क्लीन है, ये रही मैं हाय अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि अभी रियल क्विक में मुझे निकलना ही है। तो जिस तरीके से बाथरूम क्लीन हो चुका है, वाइप डाउन हो चुका है, आई एम सो हैप्पी, 5-star रेडिंग और अपने आप को फ्लाइंग किस। एप्रिसिएशन तो बनता है भाई अपने आप को, है ना कि नहीं। चलिए निकलते हैं रियल क्विक में, अब मेरा टाइम हो चला है। एक्चुअली हुआ ये कि दीदी का कॉल आ गया था इसीलिए, चलिए अभी निकलते हैं, बाकी की बातें गाड़ी में करते हैं। वेरी गुड, बाथरूम मस्त क्लीन हो गया जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, और हार्डली कुछ 5 मिनट बैठी होंगी और वो दीदी का कॉल आ गया, उन्होंने मुझे बोला कि तुम जल्दी आ जाओ। तो वैसे तो उन्होंने 12 बजे का बुलाया था लेकिन आज उन्होंने जल्दी बुला लिया, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है मेरा ये काम भी हो गया है बाथरूम से रिलेटेड, तो बस अभी निकल ही गई हूँ, जा ही रही हूँ उनके दीदी के पार्लर वाली दीदी के। तो सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, तो ये है आज का मेरा व्लॉग जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। ऑफ कोर्स घर से रिलेटेड काम तो चलते ही रहते हैं, बाहर के काम भी चलते रहते हैं, बच्चों की टेक केयर, फैमिली की टेक केयर, फिर खुद की सेल्फ टेक केयर करनी बहुत ज़रूरी है। सीरियसली लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती है ना कि आप सोचते हो कि ये काम कल कर लेंगे, वो कर लेंगे, और पाइल्डअप होता जाता है और होता ही नहीं है, दिन निकल जाते हैं। इसीलिए जो सामने आता जाए ना फटाफट फटाफट वो सारे करते जाने चाहिए। मैं पार्लर का काम बाद में भी कर सकती थी, मैं बाथरूम का काम बाद में कर सकती थी, लेकिन मैंने सारे काम बिल्कुल बराबर से करे जब मुझे ज़रूरत हुई तब। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अभी मेरे पास टाइम है पार्लर जाने से पहले, तो मैंने बाथरूम क्लीन कर दिया। चलिए मैं उनके यहाँ पहुँच गई हूँ, पहले एक बार पार्लर का काम हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों को फिर से कैचअप करती हूँ। चलो चलिए जी मैं आ गई। जिन दीदी के यहाँ मैं गई थी पार्लर का काम करवाने के लिए, उनके यहाँ से जस्ट अभी हाल फ्री होकर आई हूँ। और जाने से पहले मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि मेरा बाथरूम कितना नीट एंड क्लीन हो रखा है सीरियसली, और उन्होंने भी बहुत अच्छे से मेरा वो काम कर दिया जो जो मुझे करवाना था, बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट इतनी लाइट फीलिंग आ रही है ना यार, जिसको वैक्सिंग होती है ना उसी को पता पड़ता है कि कैसा फील होता है। हम लेडीज़ को तो बहुत अच्छे से समझ आ जाती है, मुझे अच्छे से पता है कि ये जो बात मैं बोल रही हूँ ना सारी लेडीज़ बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगी कि उन्हें कैसी फीलिंग आती है जब वो लोग वैक्सिंग करवा के आते हैं। बड़ा लाइट फील होता है, एकदम ऐसे हवा में हाथ उड़ रहे हैं ऐसा लाइट फील आता है। तो चलिए अभी मैं घर पहुँच गई हूँ, और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरा काम बहुत ही जल्दी कर दिया इन्होंने, और थैंक यू हाई मदी, आपने मेरा काम बहुत इजी कर दिया, थैंक यू सो मच। और चलिए अभी मुझे हो रहा है टाइम खाना खाने का, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। आई नो मुझे नहाना चाहिए, नहा के खाना खाना चाहिए, लेकिन मेरे पास मुझे लगता है कि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं, मेरा इतना पेशेंस ही नहीं बचा, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो मैं एक काम करती हूँ, पहले अच्छे से हाथ पांव धो लेती हूँ उसके बाद खाना खाने बैठती हूँ। तो चलिए गाइस मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, क्योंकि अगर मैं इसे और ज़्यादा रिकॉर्ड करने बैठूंगी ना तो बहुत ज़्यादा लंबा होता चला जाएगा। तो चलिए फटाफट से अब मैं पहले खाना खा लेती हूँ, और आज बच्चों की कोई एक्टिविटी नहीं है, बच्चों को जब लेने के लिए जाऊँगी ना तो देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। अगर आप लोगों के साथ मिल पाई तो डेफिनेटली मिल पाऊंगी, नहीं तो वो अगले ब्लॉग में आप लोगों को पता ही पड़ जाएगा कि मैं किस तरीके से मैनेज कर रही हूँ। और हाँ मुझे थोड़ी सफाई भी करनी है, तो अभी मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि क्या क्या चीज़ें बाकी हैं। तो चलिए अभी फिलहाल तो मैं खाना खाने के लिए बैठती हूँ, बहुत तेज़ भूख लग रही है सीरियसली। हाथ पाँव धोती हूँ, हाथ पाँव धो के पहले खाना खाने बैठती हूँ। घर क्लीन हो गया, बाथरूम की डीप क्लीनिंग हो गई ना आज, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी हैप्पीनेस लग रही है। चलो मैं हाथ धो लेती हूँ पहले बाथरूम में जाके। ऑलराइटी बाय। मेरा फर्स्ट सा बाथरूम, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना बाथरूम में घुसते, इतना नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है, और इतना
लाइट एकदम एकदम ऐसा ब्राइट ब्राइट सा नजर आ रहा है. सीरियसली वाओ.